पहले भाग में हमने जाना कि जोनाथन कौन है और ड्रैकुला के महल में किस उद्देश्य से गया। जाते समय उसके अजीबोगरीब अनुभव और लोगों द्वारा वहां न जाने का सुझाव। अब आगे, जोनाथन हार्कर अब पूरी तरह से काउंट ड्रैकुला के महल में कैद हो चुका था। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी भयानक जाल में फंस चुका है। महल की दीवारों पर लटके बड़े बड़े चित्र, धूल से ढके फर्नीचर और हर कोने में छाया गहरा अंधकार इस जगह को मानो मृतकों की दुनिया का हिस्सा बना रहे थे। ड्रैकुला का चेहरा जितना शांत दिखाई देता था, उतनी ही डरावनी उसकी मौजूदगी थी। उसकी चालें इतनी धीमी थी मानो हवा उसे धकेल रही हो, और उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती हुई प्रतीत होती थी। जोनाथन ने महसूस किया कि काउंट ड्रैकुला से जितनी दूर रहा जाए उतना बेहतर होगा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके आसपास की हर चीज मानो किसी अनजाने डर से सराबोर थी। काउंट ड्रैकुला ने बड़े सम्मान से जोनाथन का स्वागत किया। वह अत्यंत विनम्र था, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो जोनाथन को बेचैन करती थी। काउंट ने उसे रात के खाने के लिए एक बड़ी मेज पर बुलाया जो स्वादिष्ट भोजन से सजी हुई थी। परंतु खाने के दौरान जोनाथन ने देखा कि ड्रैकुला खुद कुछ नहीं खा रहा था। वो बस जोनाथन को घूर रहा था, उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। हर पल जोनाथन को लग रहा था कि वह एक अनदेखी निगरानी में है। जैसे जैसे समय बीतता गया, महल का अंधकार और गहरा होता गया, और जोनाथन को लगने लगा कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। जोनाथन ने नोटिस किया कि काउंट ड्रैकुला का व्यवहार हर दिन और अजीब होता जा रहा था। सबसे विचित्र बात यह थी कि काउंट दिन के समय कभी दिखाई नहीं देता था। हर सुबह जोनाथन खुद को महल में अकेला पाता था, और केवल रात में काउंट ड्रैकुला उससे मिलने आता था। काउंट ने जोनाथन से कई बातें की, इंग्लैंड के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में। लेकिन हर बार जब वो बात करता, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक भाव होता था, मानो वह हर जानकारी को अपने किसी भयावह मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। ड्रैकुला ने महल में जोनाथन को हर जगह जाने से मना कर दिया था। कई दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। जोनाथन को महल का हर कोना डरावना और रहस्यमय लगता था। हर बार जब वह गलियारों में भटकता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, अंधेरे में छुपा हुआ हो। महल के अंदर जोनाथन की बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात उसने काउंट ड्रैकुला को कुछ ऐसा करते देखा जिसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। ड्रैकुला अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकला और दीवार पर किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी छाया की तरह सरकने लगा। जोनाथन की आंखों के सामने काउंट दीवारों पर चढ़ चुका था, और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। अब जोनाथन को साफ हो चुका था कि वह किसी सामान्य इंसान के साथ नहीं बल्कि एक राक्षस के साथ था। महल में उसकी रातें अब और भी डरावनी हो चुकी थीं। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके बगल से गुजर रहा हो या दीवारों के पीछे कोई फुसफुसा रहा हो। हर कोने से उसे डर महसूस होने लगा। जोनाथन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह इस महल में कैद हो चुका है। महल का दरवाजा बंद था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हर दिन वह और बेचैन होता जा रहा था। ड्रैकुला का व्यवहार भी और अजीब होता जा रहा था, और उसकी आंखों में अब केवल एक शिकार की भूख ही दिखाई दे रही थी। अब जोनाथन को यहाँ से भागना ही था। उसे समझ में आ गया था कि अगर उसने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो इस महल में कैद हो जाएगा और वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। जोनाथन ने भागने की योजना बनाई, लेकिन उसे हर पल लगता था कि काउंट ड्रैकुला उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हर कदम एक जोखिम था, क्योंकि एक गलती उसे हमेशा के लिए अंधकार के साए में धकेल सकती थी। जोनाथन एक रात महल की गलियारों में भटकते हुए एक अजीब दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और वहां उसे तीन स्त्रियां दिखाई दी। उनके चेहरे बेहद खूबसूरत थे, परंतु उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी।
उनके होठों पर अजीब प्यास थी और वो जोनाथन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। जोनाथन अब जकड़ चुका था, उसे लगा कि उसका अंत निकट है। लेकिन तभी अचानक काउंट ड्रैकुला वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और उसने उन स्त्रियों को पीछे धकेलते हुए चिल्लाया कि ये मेरा आदमी है। ड्रैकुला की वो चिल्लाहट, एक भयानक चीख, पूरे महल में गूंज उठी। जोनाथन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि काउंट ड्रैकुला एक ऐसा जीन था जो इंसान की आत्मा को निगलने की ताकत रखता था। अब जोनाथन की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी थी। वह महल में कैद हो चुका था और उसके हर तरफ मौत के साए मंडरा रहे थे। काउंट ड्रैकुला के साथ रहना अब उसे हर दिन मौत के करीब ले जा रहा था। वो महल अब उसकी कब्रगाह थी और काउंट ड्रैकुला जैसे उसका कातिल। क्या जोनाथन ड्रैकुला के कासल से निकल पाएगा? क्या रह जाएगा ड्रैकुला की गिरफ्त में? क्या करने वाला है ड्रैकुला जोनाथन के साथ? किस अंजाम तक ले जाएगी जोनाथन की ये भयावह यात्रा? जानने के लिए देखें ड्रैकुला का चैप्टर 9 बजे द सीरीज ऑफ हॉरर पॉडकास्ट फॉर लिसनर्स फीचर्ड बाय हॉरर प्रेतलो डर की माया नगरी प्रेजेंटेड बाय मी आपकी दोस्त आपकी होस्ट इन द स्टोरी ऑफ घोस्ट स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।